कुछ नहीं, बस अभी एंजॉय करेंगे हम आराम से, आप लोग भी एंजॉय करो। ओके बाय। दैट फीलिंग इज स्टिल सिंकिंग इन, वो फीलिंग अभी भी सिंकिंग हो रही है एंड आई एम लाइक फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ। अभी फिलहाल कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, अभी तो आई एम इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। तो वो इसमें एक्चुअली ऑनेस्टली मैं जानती हूँ खानजादी कभी कभी अननेसेसरीली भी करती है चीज़ें, तो खानजादी के जो हरकत होती है वो फुटेज के लिए भी होती है। तो ऐसा सपोर्ट मैं ऐसे स्ट्रांगली, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे मैं किसी के अगेंस्ट, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे ऐसा पर्टिकुलरली किसी के अगेंस्ट थी, बट उस टास्क में खानजादी ने स्पेशली बहुत अनफेयर थी वो, बिकॉज शी वॉज नॉट लेटिंग द फीमेल्स गेट इन, तो वहाँ पे वो हमारे साथ गलत हुआ। Somewhere down the line. For now, I'm going to focus on my profession and let's see how it goes forward. Big boss, Sana. Big boss, Satra. Patra, tell me. What would Ankita do? I want Ankita to win. Ankita to sure. Ankita. And Munawar ko bhi de dete. Aapko kisi ko dena? Ankita. Main bolna chahungi abhi Sana start kar rahi thi acha. और इसको और अच्छा करना चाहिए क्योंकि अभी आ गए थे फॉर्म में, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब स्लोली स्लोली हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सना आ रही थी गेम में, बट ठीक है आप ये नहीं आते तो डेफिनेटली मुझसे नहीं मिल पाते ना। मतलब आपको लगता है कि अभी भी उस शो में जाने के बाद कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग तो ऑलरेडी इतने अच्छे हो चुके हैं प्लेयर, उन्हीं को थोड़ा अच्छा मजा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वही बेटर है। नहीं मैं जा सकती हूँ तो वो अलग होगा, बट अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जब आएगा तो उसका अलग रहेगा। अजी मतलब आइटा का मतलब जब से और मैं इंडस्ट्री में आने के पहले से मैं देख रहा हूँ, और जितने अप्रिशिएट किए जाते हैं आइटा के अवार्ड उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, वो एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, तो और इसका मैं पार्ट हूँ, तो थैंक यू सो मच मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए। मैं हूँ मैं, और मैं ऐसी चीज़ों को मिस नहीं करता, बीमार रहता हूँ मैं, मेकअप करके आया हूँ कि मैं थोड़ा दिखूँ नहीं बीमार। तो वो मुझे लगता है कोई भी आप शो करते हो तो एग्जर्शन हो जाता है, और मैं अकेला नहीं, बाकी कंटेस्टेंट को भी कहीं ना कहीं चोटे, किसी को थोड़े थोड़ा चल रहा है, पर मुझे लगता है तभी जाके मज़ा है, तभी वो जर्नी कम्प्लीट हो पाती है। सलाइन वलाइन लगा के सब ओके, हमारे आई ने सिखाया है कि गिरने का, सब करने का, रुकने का नहीं, तो मैं रुका नहीं, आया हूँ यहाँ। अरे वो तो मतलब मैं तीन उनके साथ ही तो था, मैं मिलते रहता हूँ 17 को, तो मैं मतलब अभी मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ झलक पर। देखो प्रेशर तो मैं, आप मुझे अगर देखोगे रिहर्सल करते समय, कोई भी प्रेशर तो मैं गलती से अभी तक नहीं ले पाया हूँ, कोई ना इंजीनियरिंग का ना लिया ना अभी लूँगा, मैं मज़े करता हूँ, बट वो थोड़ा एग्जर्शन हो जाता है, वही चलता है। फैमिली मेम्बर जो एक स्पेशल पर्सन है मेरे लिए, जो ताई और आजी, तो आजी स्पेशली, ताई तो एक शो में आई थी, तो आज ही पहली बार ट्रैवल करके आई थी और वो सब चीजें, इसलिए वो ज्यादा स्पेशल था। सच बता रही हूँ, मतलब मैं जब आ रही थी ना तो मेरी आंखों में ना आंसू थे, मैं लाइफ में पहली बार इतने बड़े अवार्ड में आई हूँ, और आज तक जब से मुंबई में यहाँ पे आई हूँ ना तब तक मैं मतलब कभी किसी आईफा में नहीं गई, कभी नहीं। मैंने कहा जब जिस दिन मुझे इन्विटेशन मिलेगा ना उसी दिन जाऊंगी, तो थैंक यू टू पारुल और थैंक यू टू आईटा अवार्ड जिसने मुझे इन्विटेशन दिया, और आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मुझे मतलब ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा सच में। एंड थैंक यू सो मच आईटा अवार्ड, आज मैं आई हूँ, कल को शायद मुझे मिले, बस फिंगर क्रॉस, थैंक यू। मैं सच बताऊँ मैं खुद वेट कर रही हूँ रिलीजिंग का, शूट तो हो गया बट लेट्स सी जल्दी। एक्चुअली नहीं, मैं पहली बार आईटा में आई हूँ, मैं पहले कभी नहीं आई हूँ, सो ऑफकोर्स ये पहली बार आई हूँ तो ये ऑफकोर्स स्पेशल है, एंड उसके साथ साथ मैंने परफॉर्म भी किया है, सो दैट इज़ ऑल्सो यू नो वेरी स्पेशल, बिकॉज मुझे 10 साल हो गए लाइव परफॉर्म किए हुए स्टेज पे, और वो दिन आज है 10 साल के बाद। परफॉर्मेंस मेरा ऑलरेडी हो चुका है एंड वो बहुत अच्छा हुआ, परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है एंड अच्छा हुआ वो भी, सो आई एम फीलिंग गुड। काव्या के बारे में ये कि अभी जितना लोग प्यार दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसके साथ साथ एक ये भी है कि आगे जो ट्रैक हमारा आने वाला है, जो चीज़ें चल रही हैं शो में, जो अभी नेक्स्ट वीक सबको देखने मिलेगा, दी वन अभी इवन मोर इंटरेस्टिंग, और ज़्यादा ड्रामा एंड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सो आई थिंक सबको बहुत पसंद आएगा, सो आई जस्ट होप एवरीवन लव्स इट।
हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ की साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।